दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बताने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा मोबाइल है और इसका ये जो पावर बटन है वो सिंपली खराब है, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग साथ प्रॉब्लम होता है कि उसका पावर बटन खराब होता है। फिर भी आज के इस वीडियो में आपको जो सेटिंग बताऊंगा, आप बिना पावर बटन को क्लिक किए हुए आप अपने मोबाइल का लॉक खोल सकते हो बहुत आसानी के साथ। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर जैसे कि आपका मोबाइल का स्क्रीन, यहाँ पर सिंपली आपको दो बार क्लिक करना है और इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोबाइल पर स्क्रीन लाइट जल चुका है। और इसके बाद यहाँ से आप सिंपली जो आपका पासवर्ड है पासवर्ड डाल के आप सिंपली लॉक खोल सकते हैं। अदरवाइज अगर इसको आपको बंद भी करना है तो सिंपली इस पर दोबारा क्लिक करेंगे और इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोबाइल का लाइट भी बंद हो गया। तो ये सेटिंग कैसे होता है और जिसका पावर बटन खराब है इसके लिए ये सेटिंग बहुत ही मददगार है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि इस सेटिंग को कैसे आप अपने मोबाइल में अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप पूरी लास्ट तक देखेंगे और आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए सिंपली वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या, यहाँ पर आपको ये सेटिंग दिख रहा है सिंपली यहीं पर जाना, आपको क्लिक कर लेना। ये मेरा रेडमी का मोबाइल हो सकता है कि आपके पास कोई दूसरा कंपनी का हो, तो यहाँ पर सिंपली आप सर्च कर लेंगे वेकअप इस तरह का या डबल टैप सर्च कर लेंगे तो आपके पास उस तरह का सेटिंग आ जाएगा। अगर रेडमी का मोबाइल है फिर सर्च करने का आपके पास आ ही जाएगा। अदरवाइज मैं आपको सेटिंग के जरिए बताता हूँ कि आपको मिलेगा कहाँ पर। सिंपली आपको यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन दिख रहा है सिंपली यहीं पर जाना, आपको क्लिक कर लेना और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड, तो यही वो सेटिंग है जिसको मैंने ऑन कर दिया है जिसके कारण से ये जो फंक्शन है सो वर्क कर रहा है। जैसे कि चलिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद फिर से एक बार लॉक लगा के आपको ये चीज ट्राई करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देखें मैं दो बार क्लिक किया और इसके बाद ये फंक्शन काम नहीं कर रहा है। और इसके बाद यही फंक्शन को सिंपली हम यहाँ से ऑन कर देंगे और इसका चलिए फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दो बार मैंने क्लिक किया और इसके बाद यहाँ पर अचानक से खुल कर चुका है, इसके बाद फिर से मैंने दो बार क्लिक किया और इसका अचानक से बंद हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखा दोस्तों कि अगर जिसका पावर बटन खराब है उसके लिए कितना मददगार है। सिंपली उसको कोई करना कुछ नहीं है, जैसे कि मान चलते वो अपने पैकेट से मोबाइल निकालता और ब्लैक स्क्रीन है, सिंपली इस पर वो दो बार क्लिक करेगा और उसके बाद ऑटोमेटिक उसका लॉक खुल जाएगा और जो लॉक होगा वो अपना डाल लेगा। तो देखा दोस्तों कितना आसान था इस तरह से मोबाइल का लॉक खोलना। अब दूसरी एक खास सेटिंग के बारे में भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप लिखा हुआ रेज टू वेक, अगर इस सेटिंग को भी अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपके पास यहाँ पर आपका मोबाइल रखा हुआ है सिंपली और उसके बाद यहाँ पर आप झटके से उठाते हैं तो अचानक से आपके मोबाइल का लाइट जल जाएगा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसके बाद नीचे रखते ही ऑटोमेटिक आपका मोबाइल का स्क्रीन का लाइट डाउन हो जाएगा। जो सेटिंग मैंने आपको बताया वो सेटिंग अभी ये था रेज टू वेक, तो आप इसको भी सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसको अप्लाई करने के बाद आपको झटके से उठाना पड़ता है, ये इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मली डबल टैप करते ये भी सही है। तो देखा दोस्तों कितना आसान था, अगर आपके मोबाइल का पावर बटन खराब है फिर भी आप इस तरह से अपने मोबाइल का सेटिंग कर सकते हैं और मोबाइल को आसानी के साथ चला सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।